मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें खिलाड़ियों को एक साथ नियुक्ति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में आज पूरे देश में एक नई स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति युवाओं के मन में एक नया जज्बा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 2 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट ने एक नई क्रांति की है। एक खिलाड़ी अपने लिए स्वयं के लिए नहीं खेलता, अलग विषय वो एक माध्यम बनता है, लेकिन जब वह किसी प्रतिस्पर्धा में कोई स्थान प्राप्त करता है तो जिस गांव या जिस मोहल्ले का रहने वाला है उसका भी नाम उजागर होता है, जिस जनपद का रहने वाला है उस जनपद का भी नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम भी उसकी प्रतिभा के कारण देश और दुनिया की जवान पर आता है। यानी वह समाज के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है, और इसलिए इन सब की भी सहभागिता इनके साथ हो सके इस दृष्टि से हम लोगों ने यहां पर कार्मिक विभाग के शासनादेश में संशोधन किया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें खिलाड़ियों को हम एक साथ नियुक्ति दे रहे हैं। इनमें 579 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, अनुमान कर सकते हैं इससे पहले कभी इतने खिलाड़ी एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्सा बने हो, कभी नहीं हुआ। इससे पहले श्री ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के रूप में यहां पर नियुक्ति पत्र दिया और साथ ही साथ उनके साथ ही विजय यादव को भी नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया। ऐसे ही आज विद्या काकरान को भी यहां पर एक व्यवस्था के साथ जोड़ करके नायब तहसीलदार के रूप में उनके नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। भाइयों बहनों, एक जो स्वस्थ माहौल आगे बढ़ा है इस समाज को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है।